हेलो फर्क वेलकम बैक टू केव एनसाइटिंग एंडली रिक्वेस्टेड एक जॉब फॉर फ्रेशर्स इन टॉप आई टी कंपनीज सो गाइज आज की ये वीडियो हिंदी में होने वाली है ये बड़ी अच्छी बात कही आपने दिस इज रिगार्डिंग अ जॉब इन टॉप आई टी कंपनी सो गाइज अगर आप एक फ्रेशर uh, हो जिसने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन करी है 2024 में या फिर 2023 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी है पास आउट करी है तो ये जॉब आपके लिए है एंड ये टॉप आईटी कंपनी के लिए होने वाली है एज आई टोल्ड सो दैट आई टी कंपनीज़ एक्सेंचर एंड इफ़ गूगल इट दैन आफ्टर गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की टॉप थर्ल्ड आई टी कंपनी एक्सेंचर है सो so, एक्सेंचर जो है वो हायर कर रही है 2023 और 2024 के पास आउट स्टूडेंट्स को एंड uh, मैं आपको बता दूँ ये कि किस रोल के लिए हायर कर रही है तो इसमें आपका रोल रहने वाला है या फिर जो आपको रोल मिल सकता है वो इन चार कैटेगरी में से मिल सकता है फर्स्ट गुड वी इंफ्रा मैनेज सर्विसेज तो इससे रिलेटेड आपको टास्क मिल सकते हैं आपको रोल या प्रोफाइल मिल सकती है एंड सेकेंड वन विल बी द एप्लीकेशन एंड क्लाउड स्पोर्ट एंड थर्ड वन विल बी द प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसिज एंड फोर्थ द लो एंड no कोड app डेवलपमेंट सो ये इसका डिस्क्रिप्शन आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं एंड ये रोल डिपेंड करेगा जो आपका एग्जाम होगा जैसा आपका इंटरव्यू जाता है एंड जैसी रिक्वायरमेंट्स होंगी या फिर जो भी बिजनेस नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये रोल असाइन किया जाएगा तो अगर आप इंटरेस्टेड है इनमें से किसी भी रोल के लिए बाकी रोल डिपेंड uh, करता है बिकॉज अगर आपको जिस प्रोजेक्ट में साइन किया जाएगा जो भी प्रोजेक्ट आपको बाद में एलोकेट होगा वो सब बात की बातें उसके बाद आप, आप चेंज भी कर सकते हैं अपना रोल प्रोफाइल सब कुछ हो जाता है फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अटेंड द इंटरव्यू नीड टू क्लियर द इंटरव्यू वो इम्पोर्टेंट है आप बस इंटरव्यू देने जाओ पहले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लो क्लियर होगा नहीं होगा वो बाद में देख लेंगे At least go and attend this because ये एक free ही है and uh, इसमें जो eligible हैं अगर हम eligibility की बात करें तो all streams branches of BSc अगर बी एस सी आपने करे कुछ भी हो बी एस सी में नॉन मेडिकल मेडिकल वटैवर उसके बाद बी सी ए बी बी ए बी ए बी कॉम बी वोक बी एम एस बी बी एस बी एफ एम बी बी आई बी एफ बी एड बी एम एम बी एफ ए बी एस माइक्रो समथिंग एंड बी डिज़ाइन एम सी एम मास्टर्स डिग्री भी हैं एम सी एम एम एस सी नॉन सी एस और आई टी एंड एम एम कॉम और एम एफ ए और फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आपका पासिंग ईयर uh, होना चाहिए एंड ये आपकी फ़ुल टाइम डिग्री होनी चाहिए पार्ट टाइम नहीं चलेगी ना डिस्टेंस एजुकेशन चलेंगे और अगर आपने बी बी टेक एम ई एम टेक एम सी एम एस सी करी है एम बी ए पी जी डी बी एम करी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो एंड आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब आपकी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होगी मतलब आफ्टर इंटरव्यू तब तक अगर आप अपनी बैकलॉग अगर कोई है उसे क्लियर कर सकते हो तो ही इसके लिए अप्लाई करना होगा बिकॉज uh, आपको अगर ऑफर लेटर आ गया और आपकी बैकलॉग है कोई तो फिर भी आपको ऑनबोर्ड नहीं करेंगे यू शुड हैव कम्प्लीटेड या रिलीवेंट डिग्री इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ़ द डिग्री एंड ईयर शुड बी नो गैप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर डिग्री सो अगर बी बी ए तीन साल की है बी एस सी तीन साल की है तो आपको तीन साल में उसे क्लियर करना होगा इस समझो तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में री आई हुई है और ये पी एयर या बैकलॉग आई है तो आपने उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर लिया तो मतलब आपकी थ्री थ्री ईयरस में वो कम्प्लीट हो जाएगी एंड अगर आपने लास्ट थ्री मंथ्स में इस जॉब के लिए किसी भी जॉब के लिए एक्सेंशन में अप्लाई किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो एंड अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है कोई इंटर्नशिप या ये कुछ भी तो वो ग्यारह मंथ से कम का होना चाहिए ग्यारह मंथ तक भी चल जाएगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्यारह मंथ तक का जो होता है ना वो जीरो काउंट होता है अगर ग्यारह मंथ से ज़्यादा अगर वन ईयर का होगा तो फिर वो वन ईयर काउंट होगा लेकिन अगर वन ईयर से कम है मतलब ग्यारह मंथ या उससे कम है तो फिर वो ज़ीरो नेगलिजिबल काउंट होता है काइंड ऑफ एंड uh, आपको सिटीजनशिप uh, वही इंडिया ना होनी इंडिया होनी सही एंड ऑल ये सब uh, देख लेना आपने अभी एंड हाँ uh, आप किसी भी शिफ्ट में uh, काम करने के लिए रेडी हो एंड uh, किसी भी लोकेशन पे क्योंकि एक्सटेंशन की काफ़ी सारी लोकेशन है इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सो इन फ्यूचर दे कैन सेंड यू देयर बट दिस इज नॉट आड एक् फॉर नाउ ना चिल रो एज़ ऑफ नाउ आप अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो ये सब बात की बातें है और आपको किसी भी बिज़नेस यूनिट या सर्विस में डाल सकते हैं कि ये नहीं कि आप सी की कोडिंग कराएंगे या सी प्लस प्लस कराएंगे वो कुछ भी करा सकते हैं उनकी मर्जी है जैसे भी उनको रिक्वायरमेंट्स होंगी अब उनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है सी का तो फिर वो तुमसे सी कैसे करा लेंगे वो ना कि लो बेटा हमने आपको सी के लिए हायर किया तो सी करा लो नहीं आपको जॉब मिल रही है जॉब का मतलब होता है जो भी आपको ओनर बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा अच्छा हमको सिखा दिया है एंड इस जॉब के लिए ये लोकेशंस हैं कुछ बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई कोयबतर गुरुग्राम पुणे कोलकाता नागपुर इंदौर मुंबई जयपुर सो so ये कुछ लोकेशंस uh, हैं एंड एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा ग्यारह मंथ से कम हो तो बेटर है जीरो मंथ भी हो चलेगा क्योंकि फ्रेशर की जॉब है एंड सैलरी आपकी रहेगी थ्री लैक्स फोर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड ये एनुअल सैलरी आपकी मंथली मत समझ लेना एंड सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की प्रोफाइल रहेगी एंड जिसकी प्रोसेस होगी आपको मैं एक अप्लाई लिंक दे दूंगा आप उस वहाँ से अप्लाई कर सकते हो एंड आपको फिर एक ई मेल इन्विटेशन आएगा असेसमेंट के लिए एंड असेसमेंट जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड आपको विद इन स्केड्यूल टाइम में कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड एक मोक असेसमेंट होगी आप वो भी अटेंड कर सकते हो दस मिनट की इससे पता चल जाएगा कि आपके पास सही सॉफ्टवेयर सही सिस्टम सही इंटरनेट है या नहीं क्योंकि अगर आप सीधा मेन असेसमेंट अटेंड करते हो तो फिर कई बार होता है ना कि आपका नेट नहीं चला या मेरे लैपटॉप में चला नहीं मेरा लैपटॉप अपडेट हो रहा था तो सो सो मैनी फिर एक्सक्यूज़ देते हैं लोग बाद में इसलिए एक मॉक असेसमेंट है अपना आराम से पहले उसको अटेंड करो कि आपका सिस्टम चल रहा है या कैसे चल रहा है कैसे सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे जो भी वो असेसमेंट वाला सॉफ्टवेयर होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा तो मॉक असेसमेंट आप पक्का अटेंड करो एंड ये वैसे ही मैंडेटरी है एंड उसके बाद जो रियल असेसमेंट है वो फर्स्ट होगी कोगनीटिव असेसमेंट एंड 50 मिनट्स की होगी और 50 क्वेश्चन होंगे इसमें एंड इंग्लिश uh, 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश एबिलिटी के क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के एंड एब्सट्रैक्ट रीजनिंग के तो इसके ऊपर 50 क्वेश्चन आएंगे एंड उसका रिजल्ट आपका साथ साथ ही आ जाएगा पाँच दस मिनट में ही एंड वहीं पर आपको बैठ के वेट करना है अपने सिस्टम में ही जो भी आपके अपल्लीकेशन जो वो देंगे लिंक वगैरह एंड उसके बाद होगा कोगनीटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट सेकेंड असेसमेंट एंड ये भी मैंडेटरी है एंड ये एलिमिनेशन राउंड होगा अगर आपका फर्स्ट राउंड जैसा मर्जी हुआ कोगनेटिवि वो मैटर नहीं करता उसके बाद आपको सेकेंड लो असेसमेंट देना ही पड़ेगा एंड ये डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए फर्दर इंटरव्यूज़ के लिए एंड टेक्निकल असेसमेंट विल बी नॉन एलिमिनेशन राउंड इन केस यू चूज़ असेसमेंट टाइप एज कोगनेटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट द स्कोर ऑफ एंड विल भी फैक्टर्ड इन टू हाँ सो ये जो राउंड होगा ये 90 मिनट्स का होगा एंड इसमें कम्युनेटिव असेसमेंट में आएगा आपका वही इंग्लिश एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्स रीजनिंग कॉमन एप्लीकेशन एंड एम एस ऑफिस टेक्निकल पार्ट होगा सूडो कोड्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ सिक्योरिटी नेटवर्किंग ऑल दिस फोर्टी क्वेश्चन आएंगे नाइन्टी मिनट्स आपको मिलेंगे उसके बाद एक हो रहा है कम्युनिकेशन असेसमेंट ये थर्टी मिनट्स का होगा राउंड एंड इसमें आपकी सेंटेंस मास्टरी वोकेबलरी फ्लुएंसी प्रोनांिएशन ये सब देखा जाएगा तो इस सब के लिए आपको मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आना चाहिए जैसे कि बी में हमने ये सीख लिया लेकिन बी में ये नहीं था या बी बी में नहीं था बी को तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए नहीं हाँ बस एम ऑफिस का है वो तो आजकल सबको आता ही है थोड़ा बहुत एम एस एक्सल एम एस ऑफिस उसकी नॉलेज होनी चाहिए बाकी कॉमन अपीलिकेशन में जैसे विंडोज़ को कैसे यूज़ करते हैं फाइल कैसे क्रिएट करते हैं फोल्डर तो ये बेसिक नॉलेज सबको कंप्यूटर की होती है एंड उसके बाद सूडो कोड्स इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको याद ही होगा अदरवाइज़ आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि नेटवर्किंग कैसे वर्क करते हैं सिक्योरिटी कैसे वर्क करते हैं एंड uh, आपको मैं अप्लाई लिंक दे दूँगा वहाँ से पे जाके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन सेलेक्ट आई डोंट हैव एन अकाउंट एंड फिर आप अपना सेलेक्ट कर पाएंगे वट एवर एक फॉर्म मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप वहाँ से सारी डिटेल्स दे सकते हैं एंड आपको एक गवर्नमेंट आईडी एक फोटो वगैरह चाहिए पड़ेगी सब प्रोसेस के लिए एंड इस फॉर्म को फ़िल करने के लिए आपको बेसिक डिटेल चाहिए जैसे आपका एड्रेस आपकी एजुकेशन डिटेल अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है या प्रोफेशनल डिटेल्स कि आपने कितने टाइम के लिए काम किया या वटैवर वो सब डिटेल्स आपको यहाँ देनी पड़ेंगी एंड अपने कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब डिटेल्स आपको यहाँ देनी पड़ेंगी ओके गाय सो गुड लक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दिस जॉब इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो And uh, if you still have any doubt or any question guys uh, comment section. Thank you so much guys for watching this videos. Uh thank you and uh, good luck for your interview.